दोस्तों अनुष्का शेट्टी साउथ की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक हैं जो कि तेलुगु और तमिल मूवीज में नजर आती हैं। इन्हें साउथ की लेडी सुपरस्टार भी कहा जाता है। बाहुबली मूवी के बाद तो इन्हें पूरे देश का प्यार मिला और आज ये इंडिया की नई सेंसेशन बन चुकी हैं। आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम अनुष्का शेट्टी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, शायद आपको अनुष्का के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चले जो आप ना जानते हो। और अगर आप अनुष्का के फैन हैं तो इस वीडियो को दो लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अनुष्का शेट्टी का जन्म 7 नवंबर साल 1981 को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था और 2020 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 39 साल। इन्होंने अपनी स्कूलिंग बेंगलुरु से ही की है। अनुष्का ने अपनी ग्रेजुएशन माउंट कार्मल कॉलेज बेंगलुरु से कंप्यूटर एप्लीकेशंस में की है। इसके अलावा वे एक योगा टीचर भी रह चुकी हैं और इन्होंने योगा में खास तौर पर ट्रेनिंग भी ली है। अनुष्का पेशे से एक एक्टर, मॉडल और योगा इंस्ट्रक्टर हैं। अनुष्का शेट्टी ने पूरी जगन्नाथ की मूवी सुपरस्टार से अपना डेब्यू किया था, जिसे हिंदी में रॉबरी के नाम से भी डब किया गया था। इस फिल्म में अनुष्का ने नागार्जुना के साथ काम किया था, लेकिन ये फिल्म बड़े पर्दे पर हिट ना हो सकी। इसके बाद अनुष्का एक शॉर्ट बजट फिल्म महानंदी में नजर आई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। कुछ वक्त बाद फाइनली इनको एक बड़ी फिल्म हाथ लगी, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे SS राजामौली और इस फिल्म का नाम था विक्रमाकुडू और इस फिल्म के लीड हीरो थे रवि तेजा। ये फिल्म बड़े पर्दे पर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसके साथ अनुष्का शेट्टी लोगों में और इंडस्ट्री में काफी फेमस हो गई। इस फिल्म को उनके एक्टिंग कैरियर का टर्निंग पॉइंट भी कहा जा सकता है। इसके बाद ये 2-3 और फिल्मों में नजर आईं, लेकिन इनको कुछ खास पहचान ना मिल सकी। 2007 से 2008 के बीच का समय अनुष्का के लिए काफी लकी साबित हुआ। इस बीच इनकी मूवीज लक्ष्यम, डॉन नंबर 1, उक्का मागड़ू और सूर्यम जैसी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। अब अनुष्का को हर जगह से फिल्म्स में काम करने की ऑफर मिल रही थी और उन्हें उस वक्त के टॉप एक्टर्स जैसे कि रवि तेजा, गोपी चंद, नागार्जुन और वेंकटेश जैसे एक्टर्स के अपोजिट कास्ट किया जा रहा था। इसके बाद अनुष्का नागार्जुन के साथ मूवी किंग नंबर 1 में नजर आई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी परफॉर्मेंस दी। फिर आई इनकी मूवी अरुंधति। इस फिल्म में अनुष्का डबल रोल प्ले कर रही थी और इस मूवी में किसी भी हीरो को कास्ट नहीं किया गया था और ये फिल्म भी बड़े पर्दे पर सुपर साबित हुई थी। साथ ही साथ ये मूवी उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज में से एक थी। इस मूवी को अनुष्का के एक्टिंग कैरियर का टर्निंग पॉइंट भी कहा जा सकता है। इसके बाद अनुष्का शेट्टी प्रभास की मूवी बिल्ला और सूर्या की मूवी सिंगम और अल्लू अर्जुन की मूवी वेडम जैसी फिल्मों में नजर आईं और ये सारी ही मूवीज बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। 2013 तक अनुष्का शेट्टी 10 और मूवीज में नजर आईं, जिसमें रगड़ा, मिर्ची और सिंगम 2 जैसी बड़ी मूवीज शामिल थी। 2015 में अनुष्का रुद्रामा देवी में नजर आई थी और ये मूवी भी बड़े पर्दे पर काफी सफल साबित हुई थी। इतनी मूवीज हिट होने के बाद अनुष्का मूवीज में काम करने के लिए हीरो से भी ज्यादा पैसे चार्ज कर रही थी। इस बीच इनकी 4 से 5 मूवीज और रिलीज हुई और फाइनली 2017 में इनकी मूवी बाहुबली कॉन्क्लूजन मूवी रिलीज हुई। इस बार उनका रोल उभर कर सामने आया और अनुष्का अब पूरे इंडिया में फेमस हो गई थी। बाहुबली मूवी के बाद अनुष्का शेट्टी भागमती मूवी में नजर आई। 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 70 करोड़ रुपए की कमाई की थी और एक बार फिर से अनुष्का शेट्टी ने अपने दम पर मूवी को सुपरहिट करवा दिया। हाल ही में इनकी मूवी निशब्दम को अमेजोन वीडियोस में रिलीज किया गया है और इस फिल्म को भी काफी रेटिंग्स मिली हैं। अनुष्का के कैरियर की सुपरहिट मूवीज के नाम हैं बाहुबली 1, बाहुबली 2 और भागमती। दोस्तों आपको अनुष्का शेट्टी की कौन सी मूवी पसंद है, मैं नीचे कमेंट करके बताएं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अनुष्का शेट्टी के अवार्ड्स के बारे में। अनुष्का शेट्टी को कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, जिनकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं अनुष्का शेट्टी की इनकम के बारे में। अनुष्का एक मूवी में काम करने के 5 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। इसके अलावा ये कुछ ब्रांड्स को भी इंडोर्स करती हैं, जिनसे इनकी अच्छी खासी इनकम होती है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अनुष्का शेट्टी की नेटवर्थ के बारे में। 2020 के हिसाब से इनकी नेटवर्थ है 200 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों आपको इनके परिवार से मिलवाते हैं। इनके पिता का नाम है विट्ठल शेट्टी, इनकी माँ का नाम है प्रफुल्ला शेट्टी। अनुष्का शेट्टी के 2 भाई हैं जिनके नाम है साय रमेश शेट्टी और रंजन शेट्टी। अनुष्का की फैमिली फोटोज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आपको इनका घर दिखाते हैं। अनुष्का अपने परिवार के साथ वुड्स अपार्टमेंट जुबली हिल्स हैदराबाद में रहती हैं। इनके अपार्टमेंट में 4 बेडरूम्स, लाउंज और एक आलिशान बैल्कनी है, जो इनके घर के लुक को और खूबसूरत बना देती है। और अगर बात करें इनके अपार्टमेंट की प्राइस की, तो इनके इस घर की कीमत है 40 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अनुष्का शेट्टी की कार्स कलेक्शन के बारे में। इनके पास एक मर्सिडीज बेंज S क्लास है, जिसकी प्राइस है 2 करोड़ रुपए।
पास एक BMW X1 कार है जिसकी प्राइस है 45 लाख रुपए। इसके अलावा इनके पास एक होंडा एकॉर्ड कार भी है जिसकी कीमत है 50 लाख रुपए। तो दोस्तों ये थी अनुष्का शेट्टी की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप अनुष्का के फैन है तो इस वीडियो को दो लाइक और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और हमें कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस साउथ इंडियन एक्ट्रेस पर देखना चाहते हैं आप। Do subscribe our channel and we hope that you like our videos and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com which is shown in the video and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.